हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं पंकज केसर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है मास्टर सैंपल एंड लिमिट सैंपल। तो क्या होता है मास्टर सैंपल एंड लिमिट सैंपल, चलिए शुरू करते हैं। मास्टर सैंपल एंड लिमिट सैंपल, व्हाट इज़ मास्टर सैंपल? अब मास्टर सैंपल इज़ नीडेड टू कम्प्लीट द पीपैप। जो मास्टर सैंपल है हमारे जो पीपैप के जो 18 डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मास्टर सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। तो पीपैप को कम्प्लीट करने के लिए मास्टर सैंपल की जरूरत होती है। दिस सैंपल मस्ट बी साइंड बाय द कस्टमर एंड द सप्लायर व्हेन दे आर बोथ हैप्पी दैट द सैंपल पार्ट मीट्स ऑल द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट एंड एक्स्ट्रा कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब कि मास्टर सैंपल को कस्टमर और सप्लायर दोनों के दोनों साइन करते हैं, और ये इस कंडीशन पे साइन करते हैं जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होता है कि हमारा पार्ट जो है ड्राइंग की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और डिज़ाइन की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, और जो भी कस्टमर की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उन सबको पूरा कर रहा है। तो कस्टमर इसके ऊपर साइन करके देता है और साथ में सप्लायर भी इसके ऊपर साइन करके मास्टर सैंपल को अपने पास रखता है। दिस कैन देन बी यूज एज अ बेंच मार्क फॉर अदर प्रोडक्शन रन्स। और ये जब हम आगे जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए बेंच मार्क टाइप का ये पीस हो जाता है, ये पार्ट बेंच मार्किंग के काम आता है। बेंच मार्किंग मतलब कि इसके जैसा हमारे को पार्ट बनाना है। एंड हेल्प द ऑपरेटर्स चेक देयर वर्क, और ऑपरेटर भी अपने काम को चेक कर सकते हैं मास्टर सैंपल के अकॉर्डिंग कि वो काम सही कर रहे हैं कि ख़राब कर रहे हैं। तो मास्टर सैंपल से वो अपने पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। ये होता है हमारा मास्टर सैंपल। व्हाट इज़ लिमिट सैंपल? तो लिमिट सैंपल क्या होता है? लिमिट सैंपल्स आर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन डेट आर यूज एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिमिट सैंपल वो पार्ट होते हैं जो कि हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। लिमिट सैंपल आर आल्सो नोन एज रेफरेंस सैंपल। लिमिट सैंपल को हम रेफरेंस सैंपल कहते हैं। यू कैन यूज़ लिमिट सैंपल फॉर विजुअल इंस्पेक्शन आल्सो फॉर टेस्ट सिस्टम वेरीफिकेशन। आप लिमिट सैंपल को विजुअल इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या फिर जो कुछ टेस्ट सिस्टम है उनकी वेरीफिकेशन के टाइम पर भी आप लिमिट सैंपल को यूज़ कर सकते हैं। लिमिट सैंपल आर प्री सिलेक्टेड पार्ट्स विच हैव स्पेसिफिक और वेरी क्लोज फीचर ऑन द लिमिट। लिमिट सैंपल जो है पहले से कुछ सिलेक्टेड पीस होते हैं या पार्ट्स होते हैं जो कि जो हमारे जो टॉलरेंस है जो उसके काफ़ी क्लोज होते हैं। जो हमारी कस्टमर ने जो टॉलरेंस मांगी है, मतलब कि इसकी डायमेंशन ये होनी चाहिए या फिर फेस पे डंट नहीं होना चाहिए या लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसके काफ़ी क्लोज होते हैं। लिमिट सैंपल हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है जिसके ऊपर हम पार्ट को अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कुछ भी डिफेक्ट होता तो वो हमारा कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता। लिमिट सैंपल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम मास्टर सैंपल के जैसा पार्ट बनाने में हम कैपेबल नहीं होते। तो उस कंडीशन में हम अपने कस्टमर से एक लिमिट लेते हैं कि इस लिमिट तक हम एक पार्ट को बना देंगे, तो वो हमारा लिमिट सैंपल कहलाता है। मोस्ट ऑफ दिस सैंपल आर यूज एज इफ़ द गिवन एट्रीब्यूट इज नोट और इट्स इफ़ डिफ़िकल्टी मेजरेबल। लिमिट्स हमारे लिमिट सैंपल में हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है जितनी कि हमारा कस्टमर एक्सेप्ट कर सकता है। वी कैन से डेट पार्ट्स ऑफ लिमिट सैंपल प्रोडक्शन आर यूज एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो लिमिट सैंपल जो है वो हमारे रेफरेंस के तौर पे काम किए जाते हैं, मतलब उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम पार्ट बनाते हैं। लिमिट सैंपल आर आल्सो नोन एज बॉर्डर स्पेसिमैन। तो लिमिट सैंपल है उसको बॉर्डर स्पेसिमैन भी कहा जाता है, मतलब कि एक वो हमारी बॉर्डर होती है इससे ज़्यादा कि अगर डायमेंशन इससे ज़्यादा ख़राब डायमेंशन हम अपने कस्टमर को नहीं दे सकते। यू कैन यूज़ लिमिट सैंपल फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। आप लिमिट सैंपल का यूज़ विजुअल इंस्पेक्शन में कर सकते हो या फिर जो कुछ जो टेस्ट सिस्टम वेरीफिकेशन होती है उस जगह पर भी आप लिमिट सैंपल का यूज़ कर सकते हो। लिमिट सैंपल इज नॉट इक्वल टू गोल्डन सैंपल और मास्टर सैंपल। जो हमारा लिमिट सैंपल है वो मास्टर सैंपल नहीं होता। लिमिट सैंपल हमारे मतलब मास्टर सैंपल हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को 100% पूरा कर रहा होता है, पर लिमिट सैंपल 100% हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा होता। एक वो मैक्सिमम लिमिट होती है जिस पे हमारा कस्टमर उस पार्ट को लेने एक्सेप्ट करता है, तो ये हमारा लिमिट सैंपल कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ लिमिट सैंपल, लिमिट सैंपल का क्या एग्जाम्पल होता है? लिमिट सैंपल फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। लिमिट सैंपल जो है हम विजुअल इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अ प्रोडक्ट इज बीइंग चेक्ड बाय अ ह्यूमन आई। एक जो प्रोडक्ट है वो जैसे एक बंदा चेक कर रहा है, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमेन अलाउ अ विजुअल फेलियर ऑफ मैक्सिमम साइज 0.2 mm। मतलब कि मान के चलते एक पार्ट की ओडी के ऊपर कॉलर थिकनेस कुछ दे रखी है, तो हमारे कस्टमर ने कहा है कि 0.2 mm की तक ये अगर डाउन भी होता है तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम अपने जो विजुअल इंस्पेक्टर है उसको एक सैंपल दे देते हैं,
कि वो विजुअली उसको देख ले कि 0.2 mm मतलब थिकनेस जो है उसके कॉलर की थिकनेस, वो विजुअली देख ले कि अगर इससे कम आ रही है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, या उससे बहुत ज़्यादा आ रही है तो भी उसको रिजेक्ट कर देगा। तो एक हमने इसको लिमिट दे दी कि इस लिमिट तक का पार्ट चला सकते हो, तो ये हमारा लिमिट सैंपल कहलाता है। नोट, सच इंस्पेक्शन इज अनरिलायबल, मतलब ऐसी इंस्पेक्शन जो है रिलायबल नहीं है, ये गलत है। सो ट्राई टू यूज़ ऑटोमेटेड सिस्टम, आपको ऑटोमेटेड सिस्टम का यूज़ करना चाहिए ताकि जो गलती होने की पॉसिबिलिटी है वो ना हो। तो ये हमारा मास्टर सैंपल और लिमिट सैंपल कहलाता है। वू अप्रूव्ड लिमिट सैंपल एंड मास्टर सैंपल। अच्छा, आप अपना आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, लिमिट सैंपल को कौन अप्रूव करता है और मास्टर सैंपल को कौन अप्रूव करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।